हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज डेट है 20 जनवरी 2023, सुबह के 9:30 बजे हैं और हम हैं अभी मनाली के मॉल रोड पे। आप देख रहे होंगे स्नोफॉल शुरू हो चुका है मनाली के अंदर। वैसे तो ये स्नोफॉल जो है पूरी रात से हो रहा है, बट उसमें क्या था कि कभी रुक रहा है, कभी कंटिन्यू हो रहा है। अटल टनल के पास भी रात को लगभग 9 से 10 बजे के आसपास से स्नोफॉल शुरू हो चुका है। और ये वीडियो आपको पता भी है कि हम लोग मनाली की अपडेट्स को लेके वीडियो बनाते हैं, कहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, कोई रोड ओपन है कि क्लोज है। तो उसी कड़ी में ये नया वीडियो है जो कि 20 जनवरी को हम लोग शूट कर रहे हैं। तो अभी मॉल रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही। हडिम्बा टेम्पल के आसपास भी अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा है, गाड़ियाँ हल्की हल्की फिसलनी शुरू हो गई है। अटल टनल आज क्लोज रहेगा किसी भी तरह की गाड़ी के लिए, क्योंकि लगभग 1 फीट के आसपास स्नोफॉल जो है शुरू हो चुका है वहाँ पे। रोड पे 1 फीट से ज़्यादा स्नो भी जम चुका है और सोलांग वैली भी शायद नॉर्मल गाड़ियां तो अभी नहीं जाने दी जा रही है, वहां भी काफ़ी ज़्यादा स्नो है अभी रोड पे। अभी जो आज का स्नो पॉइंट बनेगा वो बनेगा नेहरू कुंड के अंदर। नेहरू कुंड जो कि मॉल रोड से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है और आप सारी की सारी स्नो एक्टिविटीज़ का वहां पे मज़ा ले सकते हैं। खूब सारी स्नो आपको वहां पे मिल जाएगी और आज की जो स्नोफॉल प्रेडिक्शन है वो जो है लगभग पूरे दिन जो है स्नोफॉल होता रहेगा। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि आज रात तक यहाँ पे जो है मॉल रोड के ऊपर ही आपको 1 फीट के आसपास स्नो देखने को मिले। तो ये अभी मॉल रोड का सीन है जो आप देख रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं हडिब्बा टेम्पल की ओर, वहाँ पे देखते हैं कितनी स्नोफॉल हुई है अभी तक। तो अभी हम लोग आ गए हैं हडिम्बा टेम्पल की पार्किंग के अंदर। ये पार्किंग आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है वाइट हो चुकी है और पीछे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। मॉल रोड पे तो इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी, लेकिन जो हडिम्बा टेम्पल है ये मॉल रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर पड़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। ये डुंगरी गांव के अंदर है और यहाँ पे पेड़ काफ़ी ज़्यादा है। ये पीछे जितने भी पेड़ देख रहे हैं ये सारे के सारे हडिम्बा टेम्पल की पार्किंग के अंदर है और यहाँ पे तो अभी गाड़ियाँ भी नहीं आ पाएगी। इससे पहले 2-3 पार्किंग और है, वहाँ तक तो गाड़ियाँ जो है आ जाएगी, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि गाड़ी यहाँ पे जो है इतनी स्नो के ऊपर से होके चल पाएगी। नॉर्मल गाड़ी तो बड़ी ही मुश्किल है। हाँ, कोई 4x4 गाड़ी है तो वो लेके आप लोग आ सकते हैं। अभी ये जो पीछे सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये जो है हडिम्बा टेम्पल की है, तो हम लोग चलते हैं सीढ़ियों से हडिम्बा टेम्पल। तो अभी पहुंच गए हम हडिम्बा टेम्पल में। हडिम्बा टेम्पल जो कि यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है मनाली का। यहाँ पे मंदिर तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हडिम्बा टेम्पल है, वशिष्ठ टेम्पल है, मनु टेम्पल है, सियाली महादेव टेम्पल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्यता है वो है हडिम्बा टेम्पल की। हडिम्बा टेम्पल यहाँ महाभारत के टाइम पे जो पांडव थे उनके जो भीम थे जो सबसे शक्तिशाली थे उनकी वाइफ थी। अज्ञातवास के टाइम पे पांडव यहीं पे रुके थे, तो जो हडिम्बा देवी है भीम जी की पत्नी थी उन्हीं के याद में ये टेम्पल बनाया गया है और यहाँ के लोग जो है हडिम्बा देवी को कुल देवी मानते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लगता है आने के बाद। यहाँ पे आप लोग याक राइड ले सकते हैं, रैबिट के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, यहाँ की लोकल ड्रेस में भी फ़ोटोज़ वगैरह जो है आप लोग ले सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है यहाँ पे आके। खूब सारा मज़ा आप लोगों को आता है और मोर रोड से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है ये, तो बड़े इजीली जो है आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे अभी चारों तरफ जो है स्नोफॉल शुरू हो चुका है। हडिम्बा टेम्पल के आसपास का ग्राउंड पूरा का पूरा जो है वाइट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं ओल्ड मनाली की साइड, अगर जा पाते हैं वहाँ पे देखते हैं कैसे स्नो है, कितनी ज़्यादा स्नो। तो दोस्तों हडिम्बा मंदिर के पास अभी हम आगे हैं ओल्ड मनाली। हम लोग पैदल ही चल के आए हैं क्योंकि गाड़ियाँ अभी जो है स्किड करनी स्टार्ट हो गई है, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ चल पा रही है। और मेरे साथ जो आप ये राइट साइड में देख रहे हैं ये रिवर है यहाँ की मनालसू रिवर, जो कि थोड़ा सा आगे जाके जो है ब्यास नदी के अंदर मिल जाती है और ये ओल्ड मनाली होके जाती है। इसके ऊपर आप जो है यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग कर सकते हैं और इसके साथ में ही पीछे जो है क्लब हाउस है जहाँ पे बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, शॉपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और अगर किसी का भी आपका मनाली का प्लान बन रहा है यो तो ये चैनल ज़रूर आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं।
उनका जो है काफी फायदा होगा, क्योंकि इस पे हम लोग, हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी अपडेट मनाली के अंदर होता है, स्नोफॉल का है, बारिश हो रही है, कोई रोड ओपन है, क्लोज है, तो वो सारी की सारी वीडियोस हम इस पे लाने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के अंदर किसी नई अपडेट के साथ। मजा लीजिए आप लोग घर बैठे स्नोफॉल का, और मनाली प्लान कर रहे हैं तो उसका भी, और मैं भी लेता हूँ इस शानदार स्नोफॉल का मजा। हेलो दोस्तों नमस्कार, हम हैं अभी मनाली के अंदर। मनाली में अपना होटल और टैक्सी का काम है। हमारे पास जो है सफेदों से यार दोस्त आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं इनको जो है होटल में रुके कैसा लगा। दोस्त बहुत अच्छा होटल है यार आपका, इधर लोकेशन बहुत जबरदस्त है, साइट व्यू बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से, स्टेइंग विद वेरी कंफर्टेबल। भाई उमेश ने पूरी हेल्प की है और होटल का रिव्यू गजब, 5 में से 5 स्टार मिलेंगे। हडिम्बा टेम्पल के बिल्कुल नजदीक है, लोकेशन एक्यूरेट है, बेस्ट। सबसे मेन बात जो इस होटल के है, ये बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, और हडिम्बा टेम्पल घूमने के लिए बस स्टैंड से काफी दूर आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे होटल में स्टे करने के बाद केवल 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, और खाना अवेलेबल है बिल्कुल पास में, और स्नोफॉल तो आप ही देख ही रहे हो, बिल्कुल अच्छा होटल है, और भाई बहुत कोऑपरेटिव है। तो हरियाणा वाले भाइयों से तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी यहाँ मनाली घूमने आओ तो कम से कम एक बार इस होटल के स्टाफ को मौका दें आपकी सेवा के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों अगर मनाली, मुझे लगता है इस हॉस्टल से अच्छी लोकेशन कहीं होगी, इतनी अच्छी स्नोफॉल दिख रही है यहाँ से, खुला लोकेशन है, बिल्कुल अच्छा है। तो दोस्तों इस होटल से बालकनी व्यू बहुत अच्छा है, और स्नोफॉल तो आप देख ही रहे हैं, और सारे के सारे लोकल पॉइंट्स बिल्कुल पास में हैं। तो अगर आपका मनाली का प्लान है तो जो है फ़ोन उठाइए, और कमेंट में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, तो आपको होटल की रिक्वायरमेंट है, टैक्सी वगैरह चाहिए, सब चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू।